धातु यदि बाहर जा रहा है तो उससे कुछ नुकसान नहीं है या उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, इसके बारे में एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूं और उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक युवक मेरे पास में आया और कंप्लेंट उसकी ये थी कि उसके पेनिस में, शिश्न में उसको दर्द होता है, वो दुखता है, फिर दहने बाजू दुखता है, उसको लगता है कि उसका जो शिश्न है वो टेढ़ा है बाएं बाजू, उसके टेस्टिकल में जो अंडाशय रहता है अंडकोश उसमें भी दर्द हो रहा है, फिर उसके जांग में मतलब ग्रोइन में उसको दर्द हो रहा है, और जब जब उसका वीर्य बाहर निकलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, फिर इट्स वेरी बैड कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो गया। और उसके साथ साथ मतलब ये जो ऐसा लेफ्ट साइड में ज़्यादा दुख रहेगा अंडाशय जो है वो, और फिर बायां पैर बायां हाथ ऐसा दुखते जाएगा, फिर ज़्यादा सोचेगा कि अभी क्या होगा, और फिर उसके बाद में फिर और उसकी इच्छा होगी कि नहीं अभी मैंने हस्तमैथुन करना चाहिए। हस्तमैथुन वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, बोलता कि नहीं ये बुरी चीज़ है, अच्छा नहीं है, और तभी भी उसको बाय फोर्स मतलब एक कंपल्शन है कि उसको हस्तमैथुन करना ही पड़ता है, एंजॉय नहीं करता तभी वो करेगा, चार पांच बार हस्तमैथुन करेगा और वीर्य बाहर आ गया तो फिर और बुरा लगेगा, ऐसे वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और उससे फिर वो ज़्यादा ज़्यादा करते, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो आप जिसका विरोध करते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा होता है, वो हस्तमैथुन का विरोध कर रहा था, हस्तमैथुन नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा उसको लग रहा था, मन को मन के मन में बता रहा था, और वो ज़्यादा ज़्यादा फिर विरोध कर रहा, ज़्यादा ज़्यादा उसको मैंने बताया कि वीर्य जाने से कुछ होता नहीं है, हस्तमैथुन करने से कुछ होता नहीं है, मगर उसका इतना पक्का बिलीफ उसके ऊपर है कि उसको हिलाना मुश्किल है। ऐसा बोला जाता है कि वॉट एवर अ मैन कंसीव्स एंड बिलीव्स वो सच्ची हो जाता है, जिसके ऊपर आदमी विचार करता है और उसके ऊपर विश्वास रखता है वो सच्चा हो जाता है, और वो उसको फिर कमजोरी दर्द करना फिर गिल्टी फीलिंग और उसके जरिए फिर कमजोरी और ऐसा होने लगा। उसको बहुत सारी मतलब ज़रूरत थी एक साइकोथेरेपी की, काउंसलिंग की, समझाने की, मगर वो कुछ समझने को तैयार नहीं। उसको बोला अभी कि भाई ठीक है आप ऐसा करो मेडिसिन लो, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ क्योंकि आप समझने को तैयार ही नहीं, उसके बाहर है, समझने के बिल्कुल ही बाहर है। जब वो मानने को ही तैयार नहीं था तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है आप ऐसा करो मेडिसिन लो, क्योंकि वो डिल्यूजनल लेवल पे उसका विश्वास हो गया था कि नहीं नहीं वो मतलब थॉट इतना पक्का हो गया था कि वो हिलने को तैयार नहीं। फिर उसको मैंने कुछ कम मात्रा में एंटीसाइकोटिक दवाई दिया, एंटी ऑब्सेसिव दवाई दिया, उसको मैंने बोला कि भाई आप आ जाओ और दो चार सेशन हम बैठेंगे। उसके माँ बाप को मैंने बुलाया कि भाई ये क्या लगाया है इसको, किसने तो भी बता दिया है, उसके दिमाग में जाके बैठ गया है, सुनने को तैयार नहीं हो और हालत खस्ता हो रही, खाना नहीं खा रहा है तो बहुत ही ख़राब कर देगा तबीयत ये। फिर धीरे धीरे जैसे उसके माँ बाप को बताया, उसको विश्वास दिलाया, दवाई दिया, काउंसिलिंग ये सब करके उसको मैंने बोला कि मेरे सब वीडियो देखो आप, मास्टरबेशन के ऊपर की वीडियो देखो, सब उसको बताने के बाद में फिर धीरे 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 एक दो तीन हफ्ते में ठीक हो गया। मेरा कहना ऐसे है कि आज भी मतलब इतना हम बोलते कि हम आगे गए, इन्फॉर्मेशन इतनी बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लोग यूट्यूब पे देखते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, काफ़ी सारा ज्ञान उपलब्ध है, तभी भी ऐसे बहुत सारे युवक हैं कि जिनको मास्टरबेशन के बारे में गिल्टी फीलिंग है, उनको लगता है कि मास्टरबेशन ठीक नहीं है, वीर्य जा रहा है और उससे वो परेशान है और बीमार होते जा रहे हैं। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हमारा जो संकल्प है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी पार्टनर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।